गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों को परमेश्वर के वचन मनन में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का प्रोविजन, परमेश्वर का उपाय, जीवन की आवश्यकताओं के बीच में परमेश्वर अपने लोगों का किस प्रकार ख्याल करता है और उनके लिए कैसा बंदोबस्त करता है, इसी के बारे में हम पिछले दिनों में मनन कर रहे हैं। और बहुत सारी गवाहियां, टेस्टमनीज मुझे सुनने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया, किस वचन मनन के द्वारा किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। आज भी हम उसी विषय को ड्यूटोनोमी की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29 अध्याय उसके 5 वचन में हम देखते हैं। बुक ऑफ ड्यूटोनोमी चैप्टर 29:5, वहां लिखा है, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैर में पुरानी हुई। उसी पुस्तक में 8:4 में लिखा है, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। नहमिया 9:21 में भी हम पढ़ते हैं, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी नहीं हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए ना उनके पांव में सूजन आई। ओ कितना अद्भुत प्रोविजन परमेश्वर ने इनके लिए किया। 40 वर्ष तक ना तो वस्त्र पुराने हुए और ना जूते उनके पैरों से निकले। आज जब आप अपने वार्डरोब को खोलते हैं, आपको न जाने कितनी शर्ट्स दिखाई देंगी, कितने कपड़े होंगे। प्रभु ने भरपूर आशीषें दी हैं। कितने जूते होंगे शायद कुछ लोगों के लिए गिनना भी मुश्किल होगा, लेकिन आप क्या ऐसे किसी कपड़े को या ऐसे किसी जूते को आपने रखा है जो 40 साल पुराने हो? 40 साल पुराना, क्या आपके शरीर में वो फिट होगा? आज बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं, ड्यूरेबल, पक्का लेदर है, बढ़िया बढ़िया शूज की कंपनियां हजारों रुपए में जूते बेचती हैं, कपड़े बड़े बड़े ब्रांड्स जो बहुत महंगे होते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कोई भी ऐसा शर्ट, कोई भी ऐसा जूता जो 40 साल चले? अरे 40 साल कैसे चल सकता है? जब मिस्र देश से एक बच्चा निकला होगा, वो उसका शरीर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरा वयस्क व्यक्ति बन गया, लेकिन बाइबल क्या कहती है? उसके पैर से जूते नहीं हटे, वो पुराने नहीं हुए, ना उसके शरीर से वस्त्र खुले। क्या कोई कंपनी ऐसी है विश्व में जो शरीर की बढ़ोतरी के साथ साथ वो कपड़े भी बढ़ जाएं या जूते भी बढ़ जाएं? अरे आप अगर 8 पहनते हैं और आपका पैर बढ़ गया तो आपको जूता बदलना पड़ेगा, पैर नहीं बदलेंगे। लेकिन परमेश्वर का प्रोविजन देखिए, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखिए। इन 40 वर्षों में वचन में जैसा लिखा है, ना तो उनके जूतियां पैरों में पुरानी हुई, ना उनके तन से वस्त्र पुराने हुए। प्रेज द लॉर्ड। ओ परमेश्वर का अद्भुत प्रबंध इन
इन लोगों के लिए है। वस्त्र भी बढ़ रहा है शरीर के साथ साथ, जूते भी बढ़ रहे हैं शरीर के साथ साथ। कोई मोची की दुकान नहीं है, कोई टेलरिंग की दुकान नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनका सब कुछ बनकर उनके साथ चल रहा है। और जब तक वो परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हैं, तब तक उन्हें अपने प्रोविजन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वर्ग का वो पिता उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, इस संसार में जब हम यात्रा करते हैं, अगर हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के अनुग्रह में होकर चल रहे हैं, हमारी भौतिक बातों को भी वो आशीष देना प्रारंभ करेगा। देखिए नहमिया में हमने क्या पढ़ा, 40 वर्षों में उनके पांवों में सूजन भी नहीं आई। आप थोड़ी सी यात्रा करते होंगे, बस में बैठकर, ट्रेन में बैठकर जब पहुंचते हैं तो आपको लगता है पैरों में स्वेलिंग आ गई है, जूते फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके शरीर को भी परमेश्वर ने ब्लस किया, उनके वस्त्रों को परमेश्वर ने ब्लस किया, उनके शूज को परमेश्वर ने ब्लस किया, उनके ओवरऑल सारी बातों के ऊपर परमेश्वरीय अनुग्रह बना रहा। आज अगर वही अनुग्रह हमारे जीवन में है तो हम अपने जीवन के हर पहलू में, हर बातों में आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपकी चीजों को बरकत देना प्रारंभ करे। बरकत, यू नो, बरकत जानते हैं, ये परमेश्वर की ओर से मिलती है। भजन संहिता 128 के 2 में लिखा है, वह अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा। आज बहुत से लोग कमाते तो हैं, लेकिन उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। वो पैसा मेडिकल स्टोर में, वो पैसा वकीलों के पास, वो पैसा शराब की दुकानों में, वो पैसा अन्य अन्य बातों में चला जा रहा है, वो खर्च हो रहा है। लेकिन परमेश्वर की आशीष जानते ये भी है, जो आपको मिल रहा है उसको वो बरकत देना प्रारंभ करे, आशीष देना प्रारंभ करे। आपके वस्त्रों को, आपके जूतों को, आपके शरीर को, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपकी ओवरऑल सारी बातों में वो परमेश्वरीय अनुग्रह घुल मिल जाए। और ये एक अलगदाई को दिखाएगा संसार के सामने। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार पुराने पिक्चर्स को जब देखते हैं तो हमें हमारी फोटो दिखाई देती है, हमारे शरीर भी कितने बदल जाते हैं। जो फोटो में पुराने कपड़े दिखते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, अरे ये वो कपड़ा, लेकिन आज कहाँ है वो? कुछ लोगों ने तो पोचा बनाकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन देखिए परमेश्वर का आशीर्वाद, जब मिस्र से निकले 5 साल का एक बच्चा जो शर्ट पहनकर निकला था, 45 साल का हो गया लेकिन वही शर्ट पहना हुआ है। है कोई संसार में ऐसी कंपनी जो शरीर के बढ़ने के साथ साथ शर्ट की बढ़ोतरी भी हो जाए? 10 साल का एक बच्चा जिसके पैर का साइज 5 नंबर होगा, जो सैंडल पहनकर निकला, अभी 50 साल का हो गया लेकिन उसके पैर में वही सैंडल है, ओ वही ब्रांड है। ये ब्रांड संसार का ब्रांड नहीं, ये स्वर्गीय ब्रांड है। स्वर्ग का अनुग्रह उसके ऊपर है, और जब अनुग्रह उसके ऊपर है, उसकी चीजों को परमेश्वर बरकत देना प्रारंभ करता है। आज मेरी प्रार्थना है आपकी चीजों के ऊपर आपकी परमेश्वर की बरकत प्रकट हो, आपके शरीर में, आपके स्वास्थ्य में, आपकी आपकी सब बातों में परमेश्वरीय बरकत प्रकट हो। परमेश्वर का अद्भुत बंदोबस्त, अद्भुत बंदोबस्त। जब है तो बहुत कुछ देता है, जब नहीं है तो जो है उससे ही आशीष देना प्रारंभ कर देता है। कितना अद्भुत है ये जानना। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपकी आमदनी को आशीष दे, परमेश्वर आपके स्वास्थ्य को आशीष दे, परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष दे, परमेश्वर आपकी गाड़ियों को, आपके हर चीजों को जो आपके घर में है उसमें आशीष का हाथ बढ़ा दे, और आप
ये समझ पाएंगे कि जब परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर होती है तो वो कैसी बरकत बरकत होना शुरू हो जाती है। वो पुराने नहीं होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसके साथ रहता है। स्वर्गीय पिता, आज इन वचनों के द्वारा फिर से हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, जैसे इसराइलियों के लिए आपने एक स्वर्गिक काम किया। 40 वर्षों तक ना तो तन के वस्त्र पुराने हुए हैं, ना जूतियों छोटी हुई या उनके पैरों से उतरी पुरानी भी नहीं हुई। प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है, आपने जैसे इसराइलियों को उस यात्रा में संभाला, उस कनान की यात्रा में संभाल कर रखा, हम भी प्रभु उस पाप की गुलामी वाले मिश्र से हम उस वायदे के देश की ओर यात्रा कर रहे हैं। हमें भी आपके बरकत की आवश्यकता है, आपकी आशीष की आवश्यकता है। हर एक के ऊपर वो उंडेल, आपका अनुग्रह का हाथ बढ़ा, यीशु के नाम से आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को बांट सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर होगा। और अगर आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना चाहते हैं तो शाम को 9 बजे से 10 बजे तक एक परमेश्वर के वचन को सिखाने का जूम का एक मीटिंग होता है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। मैं उसका लिंक भी मैं कई बार आपको भेजता हूँ। अगर आपको लगता है आप उसमें शामिल होना है, वचन को सीखना है और प्रभु में परिपक्व होना है, उसमें भी ज्वाइन कीजिए। उसमें हम प्रार्थना भी करते हैं, गवाहियां भी होती हैं। ये सब बातें मिलकर हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाए। हैव ए ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।